ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के अणु सिंथेटिक खेल मैदान में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व खेल निदेशक एवं अर्जुन अवार्डी सुमन रावत ने शिरकत की। खिलाड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी के बाद विधिवत रूप से खेलों का शुभारंभ किया गया। दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमीरपुर के अणु सिंथेटिक खेल मैदान में एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व खेल निदेशक एवं अर्जुन अवार्डी सुमन रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि सुमन रावत को एथलेटिक प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा शाल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी के बाद विधिवत खेलों का शुभारंभ किया गया। दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुमन रावत ने खिलाड़ियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हार जीत को लेकर मैदान में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि सीखने की भावना से खेल मैदान में प्रदर्शन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इवेंट है, क्योंकि जैसा आपने देखा यहाँ मैदान में देख रहे हैं बहुत 1200 के बच्चे मतलब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने अपने अभी भाषण में भी ये कहा कि बच्चों को जब आप प्लेटफॉर्म देंगे तो बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर बच्चों के साथ पेरेंट्स साथ में आए, तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी सीखेंगे और बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर है। क्योंकि अगर आज हम स्पोर्ट्स किसी भी कोई भी गेम खेले बच्चे, तो मुझे लगता है उसमें सिक्योर है, और ये इवेंट होने से इनको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके सिंथेटिक ट्रैक में बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनको जो है एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। बता दें कि दो दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता में एच टुडे चैनल हमीरपुर मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर एथलेटिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंकज भारतीय, कोच भूपिंदर सिंह ठाकुर के अलावा परशुराम अवार्डी, पुष्पा ठाकुर उपाध्यक्ष, विजय अतुल, सुरेश ठाकुर महासचिव, संदीप डडवाल सचिव, संगठन सचिव विजय राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अनिल शर्मा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। एसोसिएशन जो है वो आज अपनी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। दो दिवसीय ये प्रतियोगिता 11 व 12 मई को आयोजित की जा रही है। इसमें अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 कैटेगरी बॉयज़ एंड गर्ल्स में, और इसके अतिरिक्त मेन एंड वुमेन सेक्शन में जो है वो हम विभिन्न इवेंट्स का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में जिला के विभिन्न भागों से और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों से जो है वो लगभग 1200 के करीब जो हैं वो खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग, बालक और बालिका वर्ग में जो है वो भाग लेने जा रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। मैडम सुमन रावत जी, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उन्होंने आज किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रतियोगिता में जो बेहतर परिणाम आएंगे उनके आधार पर हम आगामी 25-26 मई को जो नालागढ़ में प्रतियोगिता प्रदेश स्तर की होने जा रही है उसमें हम खिलाड़ियों का चयन यहां से करेंगे। इसके पश्चात नॉर्थ जोन की चैंपियनशिप होनी है, और जो ऑल इंडिया लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, जिसे निर्जैम के नाम से जाना जाता है, उसके लिए भी खिलाड़ियों का चयन यहां पे किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप ओपन, तालियां जोरदार।